सो लेट्स स्टार्ट आर हिंदी वर्क। और हिंदी में आज हम करने वाले हैं छ घ ध। ठीक है, उससे पहले हम डेट लिखेंगे 24/8/20। ठीक, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट क्लास वर्क। और क्लास वर्क में हम करेंगे 1, 2 लाइन्स। और फिर ये है आपका होमवर्क। और होमवर्क में हम करेंगे 1, 2, 3, 4 लाइन्स। ठीक है, और अब तक तो सब कुछ छ घ ध बनाना आ गया ना, तो आप लोग बहुत अच्छा अच्छा लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है बट मुझे पता है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैम स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट राइटिंग। अभी मम्मा को बोलेंगे, आपको सिंगल सिंगल डॉट भी लगा के दे सकती हैं मम्मा, सो दैट आपका वो लेटर लेटर के नीचे आएगा, बट आपको पूरी ट्रेसिंग नहीं करनी। ठीक है, तो अब हम लिख रहे हैं छ। आपको पेंसिल कहाँ पे रखनी है, टॉप ब्लू लाइन पे, और उसके बाद आपको एक स्मॉल सी बनाना है, फिर उसको नीचे लेकर बॉटम ब्लू लाइन पे टच करके एंड गो अप टू द मिडिल ब्लू लाइन। आपका जो सर्कल होगा वो मिडिल ब्लू लाइन से ऊपर बनेगा। ठीक है, हैंड को लिफ्ट कर लीजिए और फिर आप बना दीजिए स्लीपिंग लाइन। ये बन गया आपका छ। स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं इसको, हम रूफ लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे घ। और घ कैसे बनेगा, घ में मैम ने आपको क्या बताया था, मैम स्टार्टिंग में अब दोबारा से बता रही हैं, घ का जो ये नीचे वाला कर्व होता है ना, वो इस बॉटम ब्लू लाइन को टच नहीं करेगा, छ का करेगा बट घ का बिल्कुल नहीं करेगा। ओके, तो अब हम घ बना रहे हैं। आप देखो मैम कैसे बना रही है, तो पुट द पेंसिल ऑन टॉप ब्लू लाइन और इसको मिडिल ब्लू लाइन पे स्मॉल सी बनाएंगे और फिर यहाँ से राउंड लेके थोड़ा सा स्लैंट में ले जाएंगे एंड गो अप एंड टच द टॉप ब्लू लाइन एंड कम डाउन टू द बॉटम ब्लू लाइन। और इसके ऊपर हैंड को लिफ्ट करके हम क्या लगा देंगे, एक रूफ लाइन। ये बन गया घ। अब मैम क्या बनाएंगी, ध। और ध का भी जो ये नीचे वाला कर्व है ना, ये आपकी बॉटम ब्लू लाइन को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। सर्कल से स्टार्ट करेंगे एंड सर्कल आपका टॉप ब्लू लाइन को टच करेगा, उसके बाद स्मॉल सी और फिर ऐसे राउंड थोड़ा सा स्लैंट में ऊपर ले जाइए, गो अप टच द टॉप ब्लू लाइन कम डाउन टू द बॉटम ब्लू लाइन लिफ्ट अप योर हैंड। ओ ये मैम का टच नहीं कर रहा। और एक हाफ रूफ लाइन, ध को हम कभी भी कंप्लीट कवर नहीं करते। ठीक है, ध को हम कभी भी कंप्लीट कवर नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट लाइन। और नेक्स्ट लाइन में हम फिर से छ बनाएंगे और देखें यहाँ पे डॉट का है, यस लेटर के नीचे लेटर बनाना है ना, तो हमें बहुत ध्यान से बनाना है। पुट द पेंसिल ऑन टॉप ब्लू लाइन और फिर स्मॉल सी बनाते हुए एक बिग सी और ऐसे राउंड गो अप एंड मेक अ स्मॉल सर्कल ऑन द टॉप ब्लू लाइन। हैंड को लिफ्ट कर लीजिए और स्लीपिंग लाइन जो आपके छ को कवर करेगा, इसको हम छत भी बोलते हैं, रूफ लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा छ। अब हम आ जाएंगे घ के पास। घ को कैसे बनाना है, घ को हम बॉटम ब्लू लाइन से टच नहीं करेंगे। ठीक है, एक स्मॉल सी और फिर ऐसे ले जाके स्लैंट में गो अप और टॉप ब्लू लाइन पे जाएंगे, कम डाउन टू द बॉटम ब्लू लाइन।
और हैंड को लिफ्ट करके स्लीपिंग लाइन बना देंगे। ये आपका क्या बन जाएगा, घ। और देखो मैम का ये बिल्कुल टच नहीं कर रहा और कुछ बच्चे ने इसको बहुत आगे तक एक्सटेंड कर रहे हैं। इस बीच वाले पार्ट को आपको बहुत आगे तक एक्सटेंड नहीं करना। देखो अब हम बनाएंगे नेक्स्ट लेटर, हमारा क्या आ जाएगा, ध। ध का हम सर्कल बनाएंगे, उसको टॉप ब्लू लाइन पे टच करके एक स्मॉल सी, और फिर नीचे से कर्व लेते हुए स्लैंट में जाएंगे टू द मिडिल ब्लू लाइन, गो अप एंड टच द टॉप ब्लू लाइन, कम डाउन। ओ मैम की पेंसिल पॉइंट थोड़ा सा ब्रेक हो गया इसलिए मैम को हैंड लिफ्ट करना पड़ा। कम डाउन टू द बॉटम ब्लू लाइन, स्टॉप। अब मैम अपना हैंड लिफ्ट कर लेंगी और उसके ऊपर क्या लगा देंगी, हाफ रूफ लाइन। दिस इज लेटर ध। अब हम करेंगे होमवर्क की लाइन। अभी हम होमवर्क की लाइंस में क्या लिखेंगे, यस ध। कैसे लिखेंगे देखो, छ लिखेंगे, छ। पुट द पेंसिल ऑन टॉप ब्लू लाइन एंड स्मॉल सी बनाते हुए फिर एक कर्व, गो अप एंड टच द टॉप ब्लू लाइन, और छोटा सा सर्कल कहाँ बनेगा, आपका ब्लू लाइन से ऊपर, मिडिल ब्लू लाइन से ऊपर। दिस इज छ। अब हम बनाएंगे घ। घ कैसे बनेगा, पुट द पेंसिल ऑन टॉप ब्लू लाइन, मेक अ स्मॉल सी, फिर नीचे से राउंड स्लैंट में जाएंगे, स्टॉप, गो अप टू द टॉप ब्लू लाइन, कम डाउन टू द बॉटम ब्लू लाइन, स्टॉप। हैंड को लिफ्ट कर लीजिए और इसके ऊपर रूफ लाइन बना दीजिए। और आपकी जो ये घ का जो नीचे का कर्व है ना, मैम बार बार बोल रही हैं, ये आपका बॉटम ब्लू लाइन को टच नहीं करेगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट व्यंजन। हाँ यस, हमने क्या बोलना है इसको, व्यंजन ध। अब इसका एक सर्कल बना के स्मॉल सी, उसके बाद नीचे से एक और कर्व लेके स्लैंट में जाएंगे, स्टॉप, गो अप टू द टॉप ब्लू लाइन, कम डाउन टू द बॉटम ब्लू लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन बन गई। हैंड को लिफ्ट कर लीजिए और उसके बाद आप एक स्लीपिंग लाइन बना दीजिए स्मॉल सी, ठीक है, ये बन जाएगा आपका ध। अब फिर से आप नीचे आ जाइए नेक्स्ट लाइन में और छ बनाएंगे, बहुत सुंदर वाला छ। देखिए पहले स्मॉल सी, उसके बाद एक नीचे से कर्व, राउंड और स्मॉल सर्कल, और इसके ऊपर एक रूफ लाइन, छ, ठीक है। अब मैम क्या बना रही हैं, घ। घ का यस टॉप ब्लू लाइन पे पेंसिल रखेंगे, स्मॉल सी, नीचे से फिर एक कर्व जो बॉटम ब्लू लाइन को बिल्कुल टच नहीं करेगा, स्लैंट, गो अप, कम डाउन, मेक अ स्टैंडिंग लाइन, हैंड को लिफ्ट कर लीजिए और रूफ लाइन, ये क्या बन गया, घ। अब हम आ जाएंगे ध पे। ध को कैसे बनाना है व्यंजन ध, एक छोटा सा सर्कल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसको ऐसे बना के स्मॉल सी, नीचे से कर्व ले लेंगे, स्लैंट में गो अप, और फिर ऊपर जाएंगे टॉप ब्लू लाइन पे, कम डाउन टू द बॉटम ब्लू लाइन, स्टॉप, और फिर हम क्या कर देंगे, हैंड को लिफ्ट करेंगे और एक हाफ रूफ लाइन, ये बन गया ध, ठीक है। अब फिर से हम बनाएंगे छ। छ कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे, यस स्मॉल सी, उसके बाद हम इसको नीचे से टर्न करते हुए गो अप टू द मिडिल ब्लू लाइन और स्मॉल सर्कल, वेरी गुड। हैंड को लिफ्ट कर लीजिए एंड मेक अ स्लीपिंग लाइन, ये क्या बन गया, छ। अब क्या आ जाएगा आपका, ये घ। घ में स्मॉल सी, फिर नीचे से कर्व लेके स्लैंट,
गो अप कम डाउन टू द बॉटम ब्लू लाइन स्टॉप और हैंड को उठा लीजिए और ये रूफ लाइन बना दीजिए। ये बन गया आपका घर। अब देखो मैम के सारे लेटर्स लेटर्स के नीचे आ रहे हैं ना, आपको भी ऐसे ही वर्क करना है। और अब बनाएंगे हम ध। ध में क्या करेंगे, स्मॉल सर्कल, फिर स्मॉल सी, अब नीचे से फिर एक कर्व जो आपका बॉटम ब्लू लाइन को बिल्कुल टच नहीं करेगा, स्लैंट, स्टॉप एट मिडिल ब्लू लाइन, गो अप टू द टॉप ब्लू लाइन, कम डाउन टू द बॉटम ब्लू लाइन, स्टॉप, हैंड को उठा लीजिए और स्लीपिंग लाइन, हाफ रूफ लाइन, हैंड को लिफ्ट कर लीजिए। अगेन हम छ बनाएंगे, दिस इज द लास्ट लाइन। ठीक है, देखो मैम ने एक स्मॉल कर्व बनाया, उसके बाद एक बिग कर्व नीचे से राउंड एंड गो अप टू द मिडिल ब्लू लाइन, एक स्मॉल सर्कल। ठीक है, ओ मैम का कैमरा थोड़ा सा ऊपर चला गया था ना। ओके, अभी हम इसका रूफ लाइन बना देते हैं। वेरी गुड, अब हम बनाएंगे घ। घ में क्या करेंगे, पेंसिल को कहाँ रखेंगे हम घ व्यंजन में, टॉप ब्लू लाइन पे एक स्मॉल सी, और नीचे वाला कर्व कहाँ टच नहीं करेगा, ब्लू लाइन पे, यस, बॉटम ब्लू लाइन को। अभी कर्व बना के स्लैंट में थोड़ा सा मिडिल लाइन पे गए एंड गो अप टू द टॉप ब्लू लाइन, कम डाउन टू द बॉटम ब्लू लाइन, स्टॉप, हैंड को उठा लीजिए। और अब हम क्या बना देंगे, इसकी रूफ लाइन, इसकी छत बना देंगे। चलिए, बन गया हमारा ग। अब नेक्स्ट पे आ जाइए और हमारा नेक्स्ट है ध। ध व्यंजन पे हम पहले सर्कल से स्टार्ट करते हुए स्मॉल सी, और उसके बाद हम एक कैपिटल ओ, ओ यहाँ से ओ मैम का रॉन्ग हो गया, यस। अभी हम दोबारा से, मैम ने इसको इरेज कर दिया। अब मैम ने इसको क्या किया, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे हम, पुट द पेंसिल ऑन टॉप ब्लू लाइन, मेक अ सर्कल और एक स्मॉल सी, फिर नीचे टॉप बॉटम ब्लू लाइन पे हम टच नहीं करेंगे, गो अप टू द मिडिल ब्लू लाइन, गो अप टू द टॉप ब्लू लाइन, कम डाउन टू द बॉटम ब्लू लाइन, स्टॉप, हैंड को लिफ्ट कर लीजिए एंड मेक अ स्लीपिंग लाइन, यस। तो ये हमारा बन गया ध। सो अब हमारा वर्क ये कंप्लीट हो गया। आपको भी ऐसे ही अच्छा अच्छा वर्क करना है और मैम के पास सेंड करना है। ओके okay?